तो आज के जो तरकटी में जो वायलेशन की अपोजिशन पार्टीज ने, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मुझे उनकी हरकत पे बहुत अफसोस है। मैं कह चुका था कि मैं अब सबको जो है ना, जो मैदान सियासत में इस वक्त है और जो हालिया इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको मैं अपना भाई समझता हूँ। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं। मैंने प्यार का पैगाम दिया था, अब भी मैं मोहब्बत का ही पैगाम देता हूँ, लेकिन उन्होंने जो छोटी हरकत की है तो मुझे बहुत उसका अफसोस है। सर, आपने कानून नाफिज करने वालों इदारों से आपने रابطہ किया था? मैंने कानून नाफिज करने वाले इदारों से रابطہ किया, मैंने SSP खरमा से रابطہ किया, मैंने DC खरमा से रابطہ किया, लेकिन उनकी बेतनाई पर मुझे बहुत बेहद अफसोस है। उन्होंने इसको बहुत लाइट लिया, जिसके नतीजे में इंतहाई नाखुशगवार वाक़ा पेश आया। तो अभी जो कारकुन जाले यहाँ से रिटर्न अपने घरों को जाना है, तो आप उनके लिए कोई ख़ास मैसेज देना? मैं कहता हूँ कि ज़िली इंतज़ामिया फौज के नाखून लें और ये जो हमारे कारकुन हैं इनको बहफाजत अपने घरों तक पहुँचाने में मदद करें, क्योंकि ये शिकस्त खुर्दा अनासर जो है ना, अब वावेला कर रहे हैं, ये बौखलाहट के शिकार हैं और बौखलाहट वाले क्या करते हैं वो आपको बखूबी इलम है। जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पर आपका कारकुन भेजना क्या ये ठीक था? मैंने इंतज़ामिया से ये कहा था कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे हुक्म दे दें, आप कहें कि मैं बेबस हूँ, हम जाएंगे, हम ख़ुद इसको कंट्रोल करेंगे। मैंने इंतज़ामिया से ये कहा था। जी, आप पुरअमन रहना चाहते हैं सबको? मैं बिल्कुल पुरअमन रहना चाहता हूँ और अमन हम कह के हम दाई हैं और अमन अमान का हमने हमेशा नारा बुलंद किया है और मैंने पहले भी कहा है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मैं हर किसी से, हाँ आपके इस स्टार टीवी है ना जी, हाँ खरमा स्टार टीवी के वसातत से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ लोगों को कि हम अमन अमान चाहते हैं और लोगों के जहन में एक खौफ बिठाया हुआ है कि भाई अमजद जैदी आएंगे तो आपको आपसे ये होगा, आपको आपसे इंतकामी कार्रवाई होगी, फलां होगा। तो मैं उन तमाम लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, इंशाल्लाह कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। मैं प्यार बांटने आया हूं, मैं नफ़रतें बांटने के लिए नहीं आया हूं। जी नाज़रीन, इस वक्त अमजद जैदी की रिहाइशगाह के बाहर जश्न का समा है। बहुत शुक्रिया। For more videos, please subscribe our YouTube channel, Baltistan Star TV.